गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, योग ये व्यायाम का ऐसा प्रभावशाली प्रकार है, आपको पता ही है। पतंजलि मुनि ने योग इस शब्द का अर्थ बताया है, योग यानी युज। संस्कृत में योग को युज यानी जोड़ना, ये जोड़ना, ये कनेक्शन अपने शरीर और मन के साथ जुड़ा हुआ है। तो योग ये प्रभावशाली प्रकार जो मैंने कहा वो किस लिए, लास्ट वीक में ही हमने बच्चों 21 जून ये इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया। होप सो आपने भी आपके पेरेंट्स के साथ ये सब योग प्रैक्टिस जो अभी तक हम लोग अप्रैल से कर रहे हैं वो आपने की होगी। तो इसी को मायने रखते हुए नरेंद्र मोदी ने 21 जून ये इंटरनेशनल योग डे करके घोषित किया और योग इस विषय को एक जागतिक दर्जा, जागतिक लेवल पे इम्पोर्टेंस दिया। और इसीलिए हम लोग रोज योग की प्रैक्टिस जो है वो सवेरे या शाम को अपनी कंफर्ट के हिसाब से रोज प्रैक्टिस में करते हैं। तो आइए अपने सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे, अपनी मेडिटेशन, ओमकार चैंटिंग, वार्म अप एक्सरसाइज और इसके साथ आगे नया आसन। हर वक्त हम लोग ऐसा ही करते हैं, आपको पता है, लेकिन योगा करते वक्त स्टार्टिंग जो है वो हमें अपनी मेडिटेशन से ही हमें करनी है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं मेडिटेशन के लिए। सो एवरीवन सिट स्ट्रेट, जेंटली क्लोज योर आईज, कीप योर बैक स्ट्रेट। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रेथ, अपना ब्रीदिंग कैसे चल रहा है उसके प्रति अलर्ट और सजग। श्वास और प्रश्वास लेते वक्त अपना पेट आगे है और प्रश्वास यानी रेचक करते वक्त अपना पेट अंदर जा रहा है। ये एब्डोमिनल स्टमक की जो मूवमेंट होती है उसे हम कहते हैं डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वसन। योग प्रैक्टिस, प्राणायाम प्रैक्टिस करते वक्त बच्चों हमें ये ब्रीदिंग का अगर हमने सहारा लिया तो हमारी प्रैक्टिस और अच्छे तरीके से हो सकती है। श्वास प्रश्वास के ऊपर जैसे कंट्रोल आएगा वैसे ही अपने मन के विचारों के ऊपर भी अपना कंट्रोल आराम से आने लगेगा, क्योंकि बहुत बार मेडिटेशन करते वक्त अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, यहां वहां भटकता है और ये भटकने के बाद अगर ये जब माइंड में नेगेटिव थॉट्स, डिस्ट्रैक्शंस अगर आते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन बिल्कुल नहीं होता। और योगा हम लोग कंसंट्रेशन के लिए ही करते हैं, इसके लिए अपनी श्वास प्रश्वास के ऊपर अच्छे से कंसंट्रेट हमें करना है। डोंट ओपन योर आईज, कीप योर बैक स्ट्रेट, हैंड्स ऑन योर थाइस एंड अगेन जेंटली क्लोज योर आईज। श्वास और प्रश्वास, नॉर्मल ब्रीदिंग। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे डीप ब्रीदिंग की तरफ। टेक अ डीप ब्रेथ एंड टेक अ ब्रीथ आउट, डीप पूरक एंड डीप रेचक। बहुत बार मेडिटेशन करते वक्त कंसंट्रेशन अगर हमारा नहीं हो रहा है तो छोटी सी टिप जो अभी मैंने बताई थी उसको वापस हम लोग दोहराएंगे, अपने श्वास और प्रश्वास के प्रति अलर्ट और सजग हमें होना है। अपने आप अपने माइंड को हमें क्रॉस चेक करना है और ये क्रॉस चेकिंग होने के बाद देखेंगे कि सच में अपना शरीर, श्वास प्रश्वास और मन जो है वो अब साधना योग प्रैक्टिस के लिए तैयार है। श्वास लेते वक्त पॉजिटिव थिंकिंग और श्वास को छोड़ते वक्त निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव थॉट्स हमें बाहर छोड़ना है।
ब्रीद आउट करते वक्त निगेटिव थॉट्स और ब्रीद इन करते वक्त पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव थिंकिंग अंदर लेना है। शरीर, श्वास प्रश्वास, मन और आत्मा, इन तीनों का, इन चारों का कोऑर्डिनेशन यानी ही योग साधना। मुनि पतंजलि ने योग का इंपॉर्टेंस हमें बताया है। शरीर और मन को जोड़ने का काम जो करता है वो योग करता है। आजकल बहुत बार हम लोग देखते हैं कि योगा ये वर्ड हम लोग बोलते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से योग ये शब्द उचित है, राइट है। शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों का कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन यानी योग साधना। पांच मिनट पहले जब हमने योगा प्रैक्टिस, मेडिटेशन प्रैक्टिस स्टार्ट की, तभी की अपनी शरीर और मन की अवस्था और अभी हमारी मन की अवस्था को हमें देखना है। मन जो है, अपना माइंड जो है, वो अब साधना प्रैक्टिस के लिए आस्ते आस्ते तैयार हो रहा है। तो बच्चों आइए अब आगे बढ़ते हैं अपनी ओमकार चैंटिंग की प्रैक्टिस की तरफ। जैसे लास्ट सेशन में हमने सीखा था कि ओमकार चार स्तर के ऊपर हम लोग करते हैं। ये ओमकार जो है वो है फर्स्ट लाउडली उच्चार, सेकंड वन मीडियम उच्चार, थर्ड वन लो वॉइस और फोर्थ उच्चार इज मानसिक उच्चार। मानसिक यानी क्या बच्चों? मानसिक यानी इस ओमकार को करते वक्त हमें मन ही मन में दोहराना है। पहला जो हमने ओमकार सीखा था वो था लाउडली, इसमें अ का उच्चार ज्यादा और मकार कम आता है, यानी अकार 75% और मकार जो है वो 25% आता है। दूसरे उच्चार की तरफ आगे बढ़ेंगे, दूसरा जो है वो मीडियम वॉइस उच्चार, 50% अकार एंड 50% मकार हमें प्रोलॉन्ग करना है। नाउ कमिंग टू थर्ड पॉइंट, थर्ड ओमकार एंड दैट इज लो वॉइस ओमकार, 25% अकार और 75% मकार हमें प्रोलॉन्ग करना है। बच्चों आप ध्यान में रहो कि स्पेशली 8th, 9th और 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, हम लोग स्टडीज के लिए बैठे हैं, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि मन में और ख्याल अगर आ रहे हैं तो तीसरा उच्चार जो है वो हमें करना है। वो उच्चार अपनी सबकॉन्शियस माइंड को, अपनी ब्रेन सेल्स के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। और चौथा उच्चार जैसे मैंने बताया था वो था मानसिक उच्चार, यानी मानसिक यानी मन ही मन में उसका हमें उच्चारण करना है। तो आइए अब प्रैक्टिस करते हैं ये चार ओंकारों की। क्लोज योर आईज, सिट इरेक्ट, हैंड्स ऑन योर थाइस एंड कॉन्सेंट्रेट। नाउ गेट रेडी फॉर ओंकार चैंटिंग प्रैक्टिस। वी विल चैंट फर्स्ट लाउडली उच्चार। एज आई सेड टू यू, 75% मकार एंड 25% अकार हमें प्रोलॉन्ग करना है। ब्रीद आउट, रीच अप, टेक अ डीप ब्रेथ। ओ
दो ओंकारों के बीच जो गैप होती है वहां पर कॉन्सेंट्रेट करना है। मन के विचारों की तरफ सजग और अलर्ट अवेयर रहना है। दूसरा उच्चार मीडियम वॉइस उच्चार, रेचक ब्रीद आउट, टेक अ डीप ब्रेथ, इनर अवेयरनेस, आंतरिक सजगता। आंतरिक सजगता इनर अवेयरनेस मीन्स शरीर और मन में जो चेंजेस जो बदलाव हो रहे हैं उसको हमें नोटिस करना है। तीसरा उच्चार करेंगे लो वॉइस, 25% अकार एंड 75% मकार हमें यहां पर प्रोलोंग करना है। ये प्रोलोंग करते वक्त अपनी ब्रेन सेल्स को वाइब्रेट हम लोग करेंगे उस बात के प्रति अलर्ट सजग। रेचक ब्रीद आउट, टेक अ डीप ब्रेथ, लास्ट उच्चार मानसिक उच्चार, रेचक ब्रीद आउट, ब्रीद इन, जॉइन योर हैंड्स, गेट रेडी फॉर प्रेयर। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। Hands down, don't open your eyes, meditation, ओमकार chanting और उसके बाद next हमें करना है मंत्र chanting। हमें पता है बच्चों मंत्र chanting करने के बाद अपना concentration बहुत बहुत अच्छे तरीके से बढ़ता है। Specially concentration के लिए हमें ये मंत्र चैंटिंग करना ही है। रोज के प्रैक्टिस में मेडिटेशन, ओमकार चैंटिंग और मंत्र चैंटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग दो बार गायत्री मंत्र का अभ्यास करेंगे। ये मंत्र करते वक्त देवी गायत्री का चेहरा, मूर्ति, फोटो अगर हम लोग सामने रखेंगे तो और उसके बेनिफिट्स हमें अच्छी तरीके से मिल सकते हैं। वी विल चैंट टू टाइम्स गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सेकेंड टाइम गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
पामी हस्तमर्दन, गिव मसाज नेत्रमर्दन एंड स्लोली ओपन योर आईज। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि ओमकार चैंटिंग, मेडिटेशन, मंत्र चैंटिंग होने के बाद हम लोग यूज टू किस बात के लिए हैं? यस, वार्म अप एक्सरसाइज, जो कि योग प्रैक्टिस का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे भाग है। विदाउट वार्म अप एक्सरसाइज हम लोग योग नहीं कर सकते या हमें नहीं करना है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं अपनी आज की नए वार्म अप एक्सरसाइज की तरफ, और वो वार्मिंग अप एक्सरसाइज आज जो करेंगे वो अपने आई से रिलेट करती है। यस, आपकी ध्यान में आया ही है कि आज हम लोग सीखेंगे आई रोटेशन। स्पेशली जो बच्चे स्पेक्स पहनते हैं, उनकी विजन आई साइट हमें इम्प्रूव करने के लिए हमें ये जो है आई रोटेशन बहुत बहुत उपयोगी है। तो स्टार्ट करेंगे आई रोटेशन। वन को ऊपर देखेंगे, राइट को, टू थ्री डाउन एंड फोर लेफ्ट, ऐसे सिंपल अपने आईज को हमें गोल घुमाना है। पांच बार अगर हम लोग क्लॉकवाइज करेंगे तो पांच बार हमें एंटी क्लॉकवाइज करना है। करते वक्त अपनी शरीर की, मन की लिमिटेशंस को हमें क्रॉस नहीं करना है, ओवरडूइंग बिल्कुल नहीं करना है। अपनी शारीरिक क्षमता जो है, मानसिक स्थिरता जो है, उसे हमें क्रॉस बिल्कुल नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं आई रोटेशन वार्म अप एक्सरसाइज की तरफ। स्टार्ट करेंगे वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर, एंटी क्लॉकवाइज, फोर थ्री टू वन, फोर थ्री टू वन, फोर थ्री टू वन, लास्ट टाइम फोर थ्री टू वन। जो मी फार लेंदी गेलं ना तर हात कर नंतर पुढच्या वेळेला आठ पाहून। तो बच्चों, अभी हमने आई रोटेशन वार्म अप एक्सरसाइज देखा, और अभी आगे बढ़ते हैं आज के नए टॉपिक की तरफ। वो टॉपिक है आज का, जो नया आसन है उसका नाम है उत्कटासन। सो वर्ड उत्कट मीन्स वॉट? उत्कट मीन्स फास्ट, शीघ्र। ये आसन करने के बाद शरीर में जो चेंजेस होते हैं, जो बदलाव होते हैं, वो एकदम फास्ट होते हैं, और इसी वजह से इस आसन को नाम दिया है उत्कटासन। स्टैंडिंग पोजीशन में ये आसन करते हैं, दंड स्थिति में ये आसन किया जाता है। उत्कट, उत्कट यानी शीघ्र, फास्ट करते हैं ये आसन। के लाभ जो है वो हमें फास्ट फास्ट मिलते हैं, और इसके लिए इस नाम को, इस आसन को ऐसे उत्कटासन ये नाम दिया गया है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये आसन स्टैंडिंग पोजीशन में करते हैं। उत्कटासन प्रैक्टिकल देखेंगे, लेकिन उत्कटासन कैसे किया जाता है? तो दंड स्थिति में होने के बाद अपने लेग्स टुगेदर, हैंड्स नियर टू योर बॉडी, एंड अपने हाथ जो है वो शोल्डर्स के दिशा में सीधे होने चाहिए। अपने टोज के ऊपर हमें खड़े रहना है, और अपनी हाथों को खिंचाव, स्ट्रेचिंग देते वक्त नीचे कंफर्टेबली झुकना है। लेकिन ये झुकना फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है, थोड़ा सा हाथों से हमें नीचे जमीन की तरफ खिंचाव देना है। तो ये उत्कटासन जो है
वो अपनी नीज के लिए, अपनी आर्म्स के लिए, अपने हाथ के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि उत्कट आसन दंड स्थिति में है, तो अभी हम लोग इस आसन की प्रैक्टिकल की तरफ आगे बढ़ेंगे। उत्कट आसन के लिए दंड स्थिति में हमने विश्रांति ली है। आइए अब आगे बढ़ेंगे। दोनों लेग्स टुगेदर, हाथ शरीर के बाजू में एंड लुक इन फ्रंट। अब देखिए प्रैक्टिकल की तरफ आगे बढ़ते वक्त लेग्स जो है हमें टोस के ऊपर खड़े रहते रहते हाथ ये पोजीशन में लेते हुए बेंड डाउन करना है, लेकिन ये बेंड डाउन करना कंफर्टेबली। उत्कट आसन का हमने प्रैक्टिकल देखा, और एक बार उत्कट आसन प्रैक्टिकली कैसे किया जाता है ये एक बार डिस्कस करेंगे। दंड स्थिति, उसके बाद आसन की तरफ आगे बढ़ते वक्त अपने लेग्स टुगेदर, हैंड्स नियर टू योर बॉडी, कीप योर बैक स्ट्रेट, और अपने हाथ अपनी गर्दन की तरफ आगे जाते जाते नीचे थोड़ा झुकना है कमर से, और तभी टोस के ऊपर हमें बेंड डाउन करना है। उत्कट आसन जो है वो नीज के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। तो उत्कट आसन के हमने प्रैक्टिकल कैसा करना है उत्कट आसन ये देखा, लेकिन अब हमें आगे जाना है इसकी लाभ की तरफ। अपने कंधे यानी शोल्डर्स के लिए ये बहुत आसन उपयोगी है। चेस्ट में खिंचाव लाने के लिए भी यह आसन बहुत उपयोगी है। ध्यान रखें कि ये करते वक्त अपने लिमिटेशन हमें क्रॉस बिल्कुल नहीं करने हैं। शरीर का संतुलन जो है, शरीर का मेटाबॉलिक रेट जो है वो उत्कट आसन करने से बढ़ता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस, सावधानियां, डूज एंड डोंट्स, चक्कर जब अगर आ रही है या ये आसन करते वक्त हम लोग इम्बैलेंस हो रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, ब्रेथलेसनेस अगर हमें आ रहा है, तो हमें इसे तभी वर्ज्य करना है। उन पेशेंट्स के लिए ये वर्जित है। इसको खाली पेट ही हमें अभ्यास करना है। बहुत लोगों को उनके ऑफिस का रूटीन घर का ऐसे होता है कि सवेरे योग प्रैक्टिस वो नहीं कर सकते, तो उनके लिए ये करते वक्त खाली पेट ही उन्हें करना है। तो बच्चों आज हमने उत्कट आसन देखा।